ये तो तुम्हारे जन्म से पूर्व आभास हो गया था कि तुम इस लोक के नहीं हो, अलौकिक हो। तुम्हारे जन्म से एक दिन पहले मैंने स्वप्न देखा था। इस स्वप्न के पहले मैं और तुम्हारे पिता वासुदेव आत्महत्या करने वाले थे। जिस कोख से मैं जन्म लेने वाला हूँ उसकी स्वामिनी स्वयं को कैसे मार सकती है देवी। हर माता के दुख का हरण होना है, सकारात्मकता का प्रकाश विश्व में फैलेगा, ये अंतिम आहुति है। सबल रखिए माता। नारायण, आप मेरी कोख से जन्म लेंगे? ये शूली पुष्पमाला में परिवर्तित हो गई, कैसे? क्योंकि नारायण की यही इच्छा है। अभी हमारी मृत्यु का समय नहीं है। मेरी आठवीं संतान ने मुझे दर्शन दिए और कहा कि आने वाले जीवन के आनंद के लिए हमें इस पीड़ा को, इस कष्ट को अभी सहन करना होगा। अवश्य। और अब मुझे विश्वास है कि ये आकाशवाणी सत्य होगी। मेरी आठवीं संतान ही कंस का वध करेगी। कितना दिव्य पुत्र पाया है मैंने, किंतु उसकी दिव्यता का तो मैं आनंद ही नहीं उठा पाई। ईर्ष्या होती है यशोदा से मुझे, ने तुम्हें अपनी ममता की छाव में पाला, तुम्हें माखन खिलाया। तुम्हारी नटखटता के कारण पूरे गोकुल से ताने सुने। ये सुख मुझे प्राप्त नहीं हुआ। दुखी मत हो माते, मैं भी आपको यशोदा मैया के समान ही माखन खिलाऊं। मत रोइए, मैं इन हाथों से आपके अश्रु पोंछ नहीं सकता, आपका मुख बिगड़ जाएगा। दोनों का प्रेम महान है, तुम दोनों को आशीष देती हूँ। तुम दोनों का प्रेम, तुम दोनों का त्याग युगों युगों तक जाना जाएगा। माते,
आपने आज मुझे पूर्ण रूप से जान लिया, मेरा मनुष्यत्व, मेरा देवत्व, सब कुछ मेरे हृदय, मेरी आत्मा में भी झांक लिया। और मैं आपके लिए केवल एक मटकी तोड़ पाया। समय को तो मैं पलट नहीं सकता, किंतु हाँ, राधा और रुक्मिणी को साक्षी मां के ये वचन देता, मैं देव की पुत्र कृष्ण आज ये वचन देता कि कृष्ण लीला के अंत तक मेरी माता की जो भी मांग रहेगी, जो भी इच्छा रहेगी, मैं उसे कभी किसी भी परिस्थिति में अस्वीकार नहीं करूंगा। कह दिया कृष्ण, मुझे कुछ नहीं चाहिए कृष्ण, मेरा पुत्र तो मेरे समीप है। पुत्र कितना भी समीप हो, अपने कर्तव्य से दूर नहीं जा सकता माँ। मैं चाहता हूं कि मेरी माता के पास वो शक्ति हो कि वो जब चाहे, जहां चाहे, जैसा चाहे आदेश मुझे दे सकते। बस करो कृष्ण, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, मन में कुछ उठेगा तो मैं अवश्य तुमसे मांगूंगी। अब आज्ञा दो। ये क्या कह दिया कृष्ण, कोई मां नहीं चाहेगी कि उसका पुत्र धरा से उससे पहले जाए। यदि मां देवकी ने कृष्ण लीला समाप्त होने से पहले अपनी मृत्यु मांग ली तो या कुछ ऐसा जो असंभव हो। फिर क्या हो रहा था? आज कृष्ण के पैर दबा रही क्यों? सेवा का मन हुआ, सुकर रही हूं। आज अचानक ये भाव मन में कैसे जागृत हुआ? क्योंकि सदैव प्रेम के भाव से देखती आई हूँ ना कृष्ण, तुम्हारे उत्तरदायित्व के विषय में कभी सोच ही नहीं पाई। कैसे पालने वाली यशोदा मैया के प्रति अपने हर कर्तव्य को पूर्ण किया है तुमने, और जन्म देने वाली माता देवकी को निराश भी नहीं किया। कैसे इतना बड़ा वचन दे डाला कृष्ण, और तुम्हारा जीवन तो सदैव सबके लिए रहा है, कभी अपने विषय में सोचा ही नहीं। और मैं भी नहीं सोच पाई कि कितना थक जाते होंगे तुम। थकान कैसी रहती? ये तो बस मेरा कर्तव्य। यदि मेरा जीवन संसार के लिए है तो राधा का जीवन है ना मेरे लिए। राधा का तो जीवन ही मैं, और इसलिए मैं इतना सौभाग्यशाली। रही बात थकान की, इतने नटखट कृष्ण को संभालते हुए तुम्हें तो थकान हुई होगी। मुझे अपने पाप का भागीदार बना रहे हो? अच्छा, यदि तुम मेरे पैर दबाओ तो वो पाप नहीं, और मैं तुम्हारे पैर दबाऊं तो वो पाप है। कैसे? यदि ऐसा है तो आज के पश्चात तुम भी कभी मेरी सेवा नहीं करोगे। नहीं कृष्ण, तुम अच्छी तरह जानते हो कि राधा तुम्हें अपने पाप कभी नहीं दबाने देगी। नहीं, यदि ऐसा होगा तो मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। अच्छा, मैं तो दबाऊंगी, देख लेना। सेवा तो मैं तुम्हारी करूंगा ही रहते हैं। इस संसार को उदाहरण देना है कि नर हो या नारी, जब सेवा का भाव आता है तो उसके अधिकारी दोनों हैं। सो
भाग्यशाली हूं मैं जो मेरे पास कृष्ण है। सौभाग्यशाली हूं मैं कि मेरे पास है राधा। कृष्ण, तुमने माता देवकी को ऐसा वचन क्यों दिया? वो तो तुम्हारी माता है, तुम उन्हें कभी ना नहीं कह पाओगे। तो क्या हुआ? वो तो कुछ भी मांग सकती है, अपनी मृत्यु भी। तो पहले जाना चाहेंगे संसार से। मृत्यु के भय से माता का सबसे बड़ा सुख तो नहीं छीन सकता ना राधे। कृष्ण, यदि उन्होंने कहा कि मेरे साथ गोलोक लौट जाओ, तब क्या करोगे तुम? क्योंकि एक माँ होने के नाते तुम्हारा अंत वो कभी नहीं देख सकती। कभी ऐसी कोई बात मेरी माता के समक्ष कहने की सोचना भी मत राधे। एक माता के लिए सोचना भी कि उसकी संतान उसके समक्ष प्राण त्याग देगी, नहीं राधा। जो भी करना बस ये प्रयास ना करना, मेरी माता के समक्ष मेरे अंत के विषय में बात करने का प्रयास कभी ना करना, मेरी तुमसे विनती है। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो मेरा एक बदला हुआ रूप तुम देखोगी राधे। माता के समक्ष मेरे अंत के विषय में बात करने का प्रयास कभी ना करना, मेरी तुमसे विनती है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मेरा एक बदला हुआ रूप तुम देखोगी राधे। मैं क्या करूं महादेव? मैं कृष्ण का अंत किसी भी प्रकार नहीं देख सकती। मैं समझती हूँ कि उसने जो कुछ भी कहा माँ देवकी के विषय में सोचकर कहा होगा, किंतु क्या मैं कृष्ण के विषय में ना सोचूं? मैं भी तो कृष्ण से प्रेम करती हूँ ना। कर्म की बातें कहकर कृष्ण ने मेरे हाथ बांध दिए हैं। यदि मेरा देवकी माता से बात करना इतना बुरा है तो वो क्षण कभी आए ही ना जब मुझे माँ देवकी से बात करनी पड़े। मेरा निवेदन स्वीकार कीजिए महादेव, मेरी सहायता कीजिए। मेरे लिए पूरी तरह से श्रेष्ठ है। इस स्थान पर वो सारी नकारात्मक शक्तियां हैं जो कृष्ण को उसके अंत तक ले जा सकती हैं।